हे गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। बुगी सबको हेलो बोल दो। हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? और मम्मी देख लो पीछे सोई हुई है। आर्यन और एंजल भी आया हुआ है। सभी की मम्मी लोग गई है मार्केट करने के लिए और सारे बच्चों को इधर ही छोड़ गई है। अभी मैं ही सबको देख रहा हूँ और सबको वीडियो दिखा रहा हूँ अपना पुराना दार्जिलिंग वाला, क्योंकि ये लोग भी उस ट्रिप में थे ना। बुग्गी नहीं थी इसलिए सब पुराना याद सब ताजा कर रहे हैं कि फिर से पहाड़ का कोई प्लान किया जाए। वैसे बुग्गी को क्या खाना जल्दी बता दो। तो इन लोग से पहले पूछ लेते हैं, आर्यन को क्या खाना है? आर्यन बताओ। मोमो। एंजल को क्या खाना है? एंजल बताओ। मोमो। बुग्गी को क्या खाना है? मोमो। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, सभी के लिए मोमो ऑर्डर कर लेते हैं। जब मोमो आता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। ऑल राइट, तो देख लो सभी से मिल लो। बुग्गी हाय। एंजल हाय। आर्यन हाय। तो सभी कोई बैठा हुआ है, घर थोड़ा कंजेस्टेड है, अब क्या कर सकते हैं, ठंड का दिन आ गया, ब्लैंकेट वगैरह निकल गया है ना। और देख लो पीछे मेरा दार्जिलिंग का ब्लॉग चल रहा था तो वही हम लोग सबको ही देख रहे थे। अभी मोमो आ गया है तो अभी सबको ही मोमो खाएंगे। तो एक काम करते हैं, सभी को डब्बा से पहले निकाल लेते हैं। बुग्गी एक्साइटेड हो रही है तो जल्दी से एक तो पोएम सुना दो सबको। ठीक है बुग्गी, हम लोग सबको मिलके मोमो खाएंगे, चलो। देख लो ये छोटी बच्ची है, इसके लिए मैंने जानबूझ के ये फ्राइड वाला मोमो मंगाया। मेरे को खाने का मन नहीं है, तीनों के लिए ये दोनों से मैंने पूछा तो दोनों को ही फ्राइड मोमो खाना था, मतलब पैन फ्राइड मोमो। तो ये दोनों के लिए तीखा तीखा मैंने मंगवा दिया और इसके लिए फ्राइड मोमो चाहिए था लेकिन इसको ये पसंद ही नहीं है। कौन सा खाओगी? बहुत स्पाइसी है बुग्गी, बहुत ज्यादा। आर्यन कितना स्पाइसी है बता दो। बाबा बुग्गी कान से धुआं निकलेगा। कान से धुआं निकलेगा? चलेगा तो कान से धुआं निकलेगा तो। आर्यन थोड़ा सा चम्मच से टेस्ट करवाओ इसको। ग्रेवी हल्का देना, अभी तीखा है ना, हल्का सा देना। इतना भी मत दो उसको, टेस्ट नहीं समझ में आएगा। तीखा है ज्यादा वाला, ज्यादा दो ना तुम तब तो तीखा लगेगा। उसको तो वाव लग रहा है। एक बार लो तब ना, लो ये, लो ये मेन है, लो आप देखो कैसा है। अच्छा है। कैसा है बताओ, बता दो कैसा है। तीखा है, तीखा है ना। लो कोल्ड ड्रिंक पियो आप चुपचाप। ए खोल दो इसको, हम बोले ना ये बहुत तीखा है, ये वाला बहुत तीखा है, बच्चा लोग नहीं खाता है इसको। ये अच्छा। हाँ ये अच्छा है, देखा वेरी गुड। वो सॉस तो मत, मिर्चा है बुग्गी। अच्छा सॉस हम देते हैं तुमको, अच्छा वाला टोमेटो केचप। लो पी लो, पहले थोड़ा पियो तो तीखा कम हो जाएगा। कैसा है? अच्छा। अच्छा है ना, ठीक है। अब तुम लोग डिसाइड कर लो किसको क्या क्या चाहिए। बुग्गी क्या लेगी आप, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड। कैसा लगा आर्यन? टेस्टी है पर तीखा है। तुमको तीखा लग रहा है, मतलब बहुत तीखा है। और हम तो चटनी भी खा रहे हैं और ज्यादा तीखा हो रहा है। और आर्यन देखो इतना तीखा मोमो में ये पूरा चटनी डाल लिया है, बताओ इसको कितना ये स्पाइसी खाता है। एंजल कैसा है? अच्छा। स्पाइसी है ना एंजल? तो कम स्पाइसी खाती है। मैंने भी ये डाल लिया। बाय द वे आज से एंजल का स्कूल खुल गया ना, एंजल के आंखों में पानी आ गया है और आर्यन को देख लो खाया जा रहा है। हाँ जी, तो बुग्गी आर्यन अभी सबको ही घर में ही था लेकिन मैं थोड़ा निकल गया बाहर क्योंकि मुझे अपना थोड़ा आंख भी चेकअप करवाना था। पता नहीं क्या चश्मा लग गया या क्या पता नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लेंस कार्ड से मैंने चेक करवाया था तो वही मैं वापस से चेक करवाने के लिए निकल गया क्योंकि मेरा बीच बीच में पता नहीं क्यों सर दर्द रहता है। मैं बोला इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है, इसलिए चेक करवा लिया हूँ। ऐसा कुछ तो अभी फिलहाल निकला नहीं है। ये सर दर्द पता नहीं क्यों रहता है, किसी को कुछ आइडिया हो तो प्लीज बताना। वैसे चाय पी रहा हूँ अभी। ऑल राइट, तो अभी हम लोग का मन हो रहा है कुछ अच्छा चाइनीज खाने का, देखते हैं कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं। वैसे तो है बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे चाइनीज का, फिर भी खोजते हैं। चाइना टाउन साइड जाते हैं, उस दिन तो ब्रेकफास्ट वाले वीडियो में चाइना टाउन जाके पोपट हो गया था हम लोगों का, लेकिन आज देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग घर में सबको मोमोज वगैरह खाएं तो मुझे भी उसके बाद से कुछ इंडो चाइनीज खाने का मन था। तो ये जो मेरे सामने है इसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, EAUCHEW यूच्यू रेस्टोरेंट, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है यहाँ का और ये मैं बोल सकता हूँ कोलकाता का वन ऑफ द या फिर सबसे पुराना चाइनीज रेस्टोरेंट है। ये ऑलमोस्ट 90 या 96 ईयर ओल्ड है, मतलब इतना पुराना ये रेस्टोरेंट है। अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी, तो देख लो इसी रेस्टोरेंट में आज हम लोग खाने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है सब पढ़ पा रहे हो? यूची कैसे हो जाएगा, वो तो च्यू है। वो तो च्यू हो गया, च्यू मतलब तो च्यू चाओ चाओ CHEW च्यू क्या प्रोनाउंस नहीं हो रहा है।
मेरे को च्यू रेस्टोरेंट समझ में आ रहा है, ई ए यू कैसे बोला जाएगा, यू चो। आप लोग कमेंट करके बताना इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। वैसे भी मैं किसी चीज को प्रोनाउंस करने में बहुत ही गंदा हूँ भाई। तो आप अंदर जाने का सीढ़ी देख लो। ऑलराइट, तो इनका बिजनेस आवर देख लो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, मानते हैं ये रेस्टोरेंट पुराना है लेकिन रिपेयर करने में क्या जाता है यार, थोड़ा तो ठीक बना दो। मेरे को ये चीज से दिक्कत है। ये बिजनेस आवर है इनका देख लो, कब से कब तक खुलता है ये, इवनिंग में 6 बजे से 10 बजे तक। और ये हाल देख लो ये, और ये सब जो काम करते हो ना, ये बहुत गंदा लगता है मेरे को, ये बहुत ज्यादा गंदा है। ये लोग एक्चुअली करते इसलिए है ताकि लोग यहाँ पे थूके ना, भगवान का फोटो लगा दें, वहाँ ताजमहल का फोटो। यहाँ पे कोबरा सब बहुत ज्यादा रहता है ना, कोबरा करके मारेगा पूरा एकदम। और एक चीज देख लो यहाँ पे, पेमेंट कैश ओनली। ऑल राइट, तो देख लो ये यहाँ का मेन्यू है और ये यहाँ का लोकेशन है। आप लोग बोलते हो मोहित भाई आप लोकेशन नहीं दिखाते हो, देख लो। और ये कुछ इनका रेट सब है, मेरे को तो भाई बहुत हाई लग रहा है पापा इधर, बहुत हाई रेट लग रहा है। मतलब पहली बार मैं किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट में आया हूँ जहाँ पे इतना हाई रेट दिख रहा है। नहीं तो हम लोग टंगड़ा में कितने जगह गए हैं ना, रेट नॉर्मल ही रहता है। हम लोगों ने यहाँ का लिया है ये फेमस सूप, जो बोलते हैं चिमनी सूप, मीडियम साइज में, लार्ज में। लार्ज तो मतलब 7-8 लोग है उसके लिए, हम लोगों ने मीडियम मंगाया है। ये भी मैं सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा ही होगा। अंदर में जो रहते हैं ना उनसे पूछा कि और इसके अलावा कुछ रिकमेंड कीजिए, वो बोले कि आप पहले यही खाइए, उसके बाद आपको लगेगा, तब उसके बाद आप कुछ ऑर्डर कर लीजिएगा। बाकी देख लो रेट बहुत हाई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एक नॉर्मल अगर मैं नूडल्स भी लेता हूँ ना, 550 रुपए का नूडल्स है, लेकिन यही आप गूगल करके देख सकते हो, ये 90 या 96 ईयर ओल्ड रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना चाइनीज रेस्टोरेंट है ये। फ्राइड चिकन का रेट थोड़ा ठीक लगा, जो रेस्टोरेंट है वो नॉर्मल है और इतना हाई रेट होने के बावजूद भी बस कैश पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं ये, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है। अगर कोई महंगा चीज खाएगा तो उसको पेमेंट करने में दिक्कत होगा। मंचूरियन चिकन 500 रुपए का है, 270 का हाफ। जितने भी मेरे वेजिटेरियन व्यूअर्स देख रहे हैं तो देख लो, ये वेज सूप का भी ऑप्शन है इनके पास। जो मैं चिमनी सूप ऑर्डर किया हूँ उसमें वेज में भी है, काफी कुछ मिक्स रहता है इसके अंदर, जब मेरा आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। नूडल्स वगैरह भी है, अगर वेज में आप कुछ नूडल्स लेते हो तो 200 रुपए, ये ठीक है, वेज नूडल्स आपको मिल जाएगा 200 रुपए में। एक ही सूप ही हम लोगों ने ऑर्डर किया है, 750 रुपए का सूप है भाई साहब। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि कैश पेमेंट करना होगा, उतना कैश कौन ही रखता है आज के डेट में, रखते होंगे बहुत लोग लेकिन मेरे पॉकेट में बस वही 400-500-600 रुपए तक कैश रहता है। देखो कितने देर में आता है मेरा, जब आता है चिमनी सूप तो दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो देख लो ये चिमनी सूप, यार लिटरली रियल में चिमनी है ये, और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है, अंदर में काफी कुछ है, चिकन, प्रॉन्स या ऑमलेट, बहुत कुछ दिख रहा है, नूडल्स भी है इसके अंदर भाई। ये तो मतलब खतरनाक है, ये एक से ही पेट भर जाएगा हमको लगता है। सूप ट्राई करता हूँ। ऐसे रेस्टोरेंट सब में क्या होता है ना कि एक चिमनी जैसा कुछ लाते हैं, थोड़ा देर में ठंडा हो जाता है, और ये अभी तक उबले जा रहा है। मैंने कुछ भी अभी मिक्स नहीं किया इसमें बाय द वे, एकदम प्लेन जैसा सूप होता है ना वैसे ही लग रहा है। अभी तक तो कुछ वैसा यूनिक नहीं लगा इसमें, एकदम प्लेन अभी तक लग रहा है। एक सेकेंड, ये सबको मिक्स करके थोड़ा खाता हूँ मैं। हाँ, ये सबको मिक्स करके खा रहा हूँ ना, थोड़ा यूनिक लग रहा है। अभी मैं सिर्फ इनका प्रॉन्स ट्राई करता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल जैसा सूप होता है ना, जो घर में आप लोग स्ट्यू बनाते हो, स्ट्यू तो खैर मैं बोलूंगा थोड़ा सा मतलब थिक हो जाता है, काफी कुछ मिक्स हो गया उसमें। इसका सूप एकदम पतला सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है, जैसे मुझे लग रहा है ना कि मैं कुछ हेल्दी सूप पी रहा हूँ। अब हो सकता है जो ऑथेंटिक सूप का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता हो, और हम लोग जो खाते हो काफी कुछ मिक्स हो गया उसमें, पता नहीं क्या क्या मिक्स हो जाता है, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर। इसमें ये है कि कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, ये मैं टेस्ट में बता सकता हूँ। तो ये जहाँ तक मुझे वही हेल्दी सूप टाइप लग रहा है। ठंड के टाइम में, अभी ठंड का मौसम भी आ गया, थोड़े दिन बाद तो और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाला है, तब आप लोग ये ट्राई कर सकते हो गर्मा गर्म सूप। लेकिन हाँ, एकदम प्लेन सा सूप है ये, आपके टेबल पे ये सब पड़ा रहेगा तो अगर आपको थोड़ा स्पाइसी या फिर सोया सॉस वगैरह यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये क्या है ना, मतलब टाइम पास करने के लिए अच्छा है, एक ऐसा ले लो, 5-6 दोस्त बैठ जाओ, गर्मा गर्म सूप बाउल में ले लो और
बातचीत करो, टाइम पास करो, उसके लिए बेस्ट है ये। देख लो इतना टाइम हो गया, अभी भी ये सूप जो है उबल रहा है। मैं कितना कुछ सूट भी कर लिया, जब से ये रेस्टोरेंट खुला है ना तब से ये सूप सर्व किया जा रहा है। चिमनी सूप, समझ लो 90-95 साल के ऊपर से इसको सर्व किया जा रहा है, और अभी भी लोग इधर आते हैं तो इसी को ऑर्डर करते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी इसे ही ऑर्डर किया। और इस सूप के अंदर क्या नहीं है, चिकन है, प्रॉन्स है, नूडल्स है, वेजीज है, वेट की फिश है, ये जो सामने देख रहे हो ना वेट की फिश है, बताओ सब कुछ है इसके अंदर, मिक्स है एकदम ये। हाँ जी, तो मैं तब से तो यही देख रहा हूँ कि ये जो सूप है अभी तक गर्म है। पापा इधर सूप कैसा लग रहा है? ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, कभी ट्राई नहीं किया हूँ, फर्स्ट टाइम ये ऐसा सूप। मेरे को ये जो ग्रेवी है यही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सूप। हाँ सूप, खाली सूप। हाँ ये सब बॉइल्ड वाला चीज अपने लोग को नहीं जमता है, जमता नहीं। लेकिन शायद मैंने सुना है जो ऑथेंटिक चाइनीज फूड सब होता है ना, हम लोग हमेशा इंडो चाइनीज खाने को चाइनीज फूड बोलते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चाइनीज फूड होता है ना वो हम जैसे लोग खा भी नहीं पाएंगे, और उसमें सिर्फ बॉइल्ड खाना ही होता है जहाँ तक मैंने सुना है। अब ये कितना सही है कितना नहीं, मैंने देखा भी है बहुत सारे वीडियोस में, ओरिजिनल चाइनीज खाना खाने का स्मेल होता है ना, वो स्मेल से ही खा नहीं पाओगे, और इसमें भी वो कच्चा मछली का स्मेल है ना, इसीलिए तो मैं खा नहीं पा रहा। और मैं देख भी पा रहा हूँ इसके अंदर जितना भी चीज है ना सब बॉइल्ड है, ये मैं बोल सकता हूँ अगर आपको ऑथेंटिक चाइनीज सूप पीना हो। भैया इसका नाम क्या बोला जाएगा, यू चू क्या बोलते हैं? इचू। तो इसको बोला जाता है इचू। इचू में हम लोग आज ये ऑथेंटिक सूप ट्राई किए, बाकी ठीक है इसको ट्राई करके निकलते हैं। और अभी तक गर्म है भाई साहब, तो ये हमारा बिल आ गया, और बिल भी देख लो एकदम पुराने तरीके से जैसे आता है ना लिखकर, 750 रुपए का ये सूप था और 10 रुपए किस चीज का। सर ये कंटेनर मैंने पैक करवा लिया, काफी ज्यादा क्वांटिटी था, मैं बोलता हूँ 3 या 4 लोग आराम से खा सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी तो काफी लोग वहाँ पे मिले थे जब चाय में पी रहा था, और अभी एक भाई फिर से मिला है। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अक्षय। और ये देख लो वीडियो कॉल में भी ऐड करके रखे हुए हैं। भाई अपना नाम बता दो। सम्यक। हेलो बोल दो मेरे व्यूअर्स को। चलो भाई आप ब्लॉग में आ गए, आप बोल रहे थे ना ब्लॉग में, आप आ गए ब्लॉग में। ओके चलो भाई, थैंक यू। ओके बाय बाय बाय। हाँ जी, तो कल घर में आके तो मैं सो गया ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊं और एडिटिंग पे लग जाऊं और टाइम पे आपको वीडियो मिल जाए। ज्यादा सुबह तो मैं नहीं उठ पाया भाई, उठते उठते 8:30 बज गया, अभी 8:30 बज रहा है। वैसे आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है ईडन गार्डन में। टिकट का अगर मैं बात करूं तो टिकट का एक जगह से जुगाड़ हो सकता है, बातचीत हो गया है, वो 12 या फिर 2 बजे तक मुझे कन्फर्म हो जाएगा मुझे मिलेगा या नहीं। तो अभी तक तो सब कुछ कन्फर्म है, शायद मिल जाएगा। अगर टिकट मिल जाता है तो कल का व्लॉग जो आप देखोगे वो ईडन गार्डन पे होगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर वही नॉर्मल सा व्लॉग होगा मेरा। खैर कोई नहीं, इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, मिलेगा तब एक ही बार आप लोग वीडियो ही देख लोगे। वैसे मैं इंस्टाग्राम में तो अपडेट कर ही देता हूँ कि हाँ मिला या नहीं मिला। बाकी ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। और वैसे आज इतना साल पुराने रेस्टोरेंट में चिमनी सूप पीकर मजा ही आ गया, मतलब सूप जिस तरीके से सर्व किया गया था ना वो देखकर मजा आ गया। सूप का टेस्ट तो मतलब नॉर्मल सा ही था, मतलब एकदम नॉर्मल सूप जैसा लग रहा था। खैर कोई नहीं, ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।